फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली फ्रॉम द चैनल वी प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट। यस फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियो, जो आपको लास्ट मिनट पर बात ध्यान रखने वाली है पेपर देने से पहले। उसके लिए जो वीडियो मैंने आपके लिए आज प्रिपेयर की है, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप पेपर की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं। अगर आप जो है ये जो आपको एडवाइजरी दी जाती है लास्ट मिनट के लिए, वही आप अगर फॉलो नहीं करते तो ये एग्ज़ाम के लिए आप हो सकता है कि आप एग्ज़ाम भी ना दे पाओ, ठीक है। इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी है वीडियो, उसके अलावा प्रिपरेशन तो ज़रूरी है ही है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी जो है दिसंबर 2018 एग्जामिनेशन के लिए NTA ने आपके लिए इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जो है इसके लिए भेजी है। ये इंपॉर्टेंट एडवाइजरी में क्या क्या लिखा गया है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसे करें, ये सब कुछ बता रखा है। डेट मीन्स आपको क्या क्या अपने साथ लेकर जाना है और किस किस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखना है, क्या क्या बातें, क्या सामान नहीं लेकर जाना है साथ में, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर, इस एडवाइजरी के अंदर अच्छे से बताया गया है। यस, अब यहाँ पर लिखा गया है कि आप जो है वो प्रिपेयर हो चुके हैं UGC नेट दिसंबर 2018 एग्जाम के लिए। आपने जो है NTA की वेबसाइट से ऑफकोर्स एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, ये मैं उन्हें कहूँगी पर्सनली कि अभी एडमिट कार्ड जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज आपको पता है NTA की वेबसाइट पर सर्वर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। हमने अभी जब फर्स्ट टाइम एडमिट कार्ड आए थे तब भी हमें डाउनलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ उन्हें कि अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करके रख लीजिए अभी से, और अपना डेट, शिफ्ट, नेट, सब्जेक्ट क्या है, वेन्यू क्या है, वो अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर लिखा गया है नेक्स्ट कि आपको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई भी अनफेयर मीन्स आपको साथ में लेकर नहीं आना है, कोई अनफेयर एग्जाम, कोई मतलब अनफेयर डैट मीन्स जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए गलत समझा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं लेकर आनी है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर CCTV भी होगा और जैमर्स भी होंगे। जैमर्स मीन्स डैट मीन्स जिससे आपका मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं लेकर आनी है जो आपके अनफेयर मीन्स में आ जाए, ठीक है। नाउ यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए NTA की वेबसाइट से, NTA.NET.NIC.IN डाउनलोड करके उसे कलर प्रिंट आउट में लेकर जाना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि प्रिंट आउट जो है वो आपको कलर करवाना है अपने एडमिट कार्ड का, और अपने एडमिट कार्ड पर कि रिपोर्टिंग टाइम, डेट, गेट क्लोजिंग टाइम और सब कुछ आपको ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए। रिपोर्टिंग टाइम मैं जानती हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा दे रखा है, डेट मीन्स बहुत पहले दे रखा है, एग्ज़ाम शुरू होने से लगभग 2-3 घंटे पहले दे रखा है, इतनी जल्दी भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको जो है। इसीलिए ये ऑन टाइम कहा गया है, 2-3 घंटे पहले का टाइम इसीलिए आपको एडमिट कार्ड पर दिया गया है, बिकॉज आप किसी भी तरीके से लेट ना हो जाए, तो NTA ने जो है वो इसीलिए दिया है। उसके अलावा आप जो है उससे पहले आपका कुछ एंट्री नहीं करवाई जाएगी, वैसे आप वो टेंशन छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम शुरू होने का जो टाइम है उसके हाफ आवर पहले आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, और उस टाइम तो आप ऑफकोर्स पहुँच ही जाएँ ताकि आप फास्ट जो है कोई क्विकली के अंदर, कोई जल्दी के अंदर आप कोई गलती ना कर जाए, कुछ ले जाना ना भूल जाए, इसलिए आपको टाइम ऑन टाइम पहुँचने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब कुछ आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर लिखा गया है कि आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पर एक दिन पहले पहुँच जाएं, ताकि कई बार क्या होता है कि रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कि आप ऑन ट्रैवलिंग कुछ भी व्हीकल आपका खराब हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम आपको ना झेलनी पड़े, आप पेपर पे टाइम पर पहुंच पाए, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पर एक दिन पहले जो है विजिट ज़रूर करें, फैमिलराइज हों उसके साथ, और आपको पता हो कि वो कहाँ करके और कैसे आप वहाँ से इधर उधर जा सकते हैं। ओके, अब जो है यहाँ पर लिखा गया है जो गेट क्लोजिंग टाइम आपका सेंटर की एप्लीकेशन जो आपको दे रखा है एडमिट कार्ड, उसके ऊपर जो गेट क्लोजिंग टाइम लिखा गया है, उसके बाद अगर आप आते हैं तो आपको टेस्ट वेन्यू के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो आपने गेट क्लोजिंग टाइम अलग से दिया गया है, उसके अंदर जो है वो आपको उस टाइम के अंदर आपको रिपोर्ट करना है और तभी आपको एंट्री करनी पड़ेगी, वो हाफ आवर पहले का टाइम होता है, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो कंप्लीट करनी जरूरी होती है, इसलिए आपको गेट क्लोजिंग टाइम दे रखा है पहले से।
नेक्स्ट रहता है आपका यू शुड कैरी। अब आपको लेके क्या क्या जाना है बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये जो आपको एडमिट कार्ड जो आपने एनटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, ऑफ कोर्स यहाँ पर लिखा गया प्रेफर किया जाता है कि आप क्लियर कलर प्रिंट आउट हो, क्लियर हो और कलर प्रिंट आउट किया गया हो ए फोर साइज पेपर के ऊपर। तो ऐसा प्रिंट आउट आपको कलर्ड एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है, जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे अपलोड करवाई थी, जो वो पिक जो है आपकी अब लगेगी कहाँ पर, अटेंडेंस शीट के ऊपर। तो आपने अपनी एक पिक जरूर लेके जानी है पासपोर्ट साइज की, जो आपने उसके ऊपर अपलोडिंग की थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। फिर है ए वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है ओरिजिनल में, ओरिजिनल होना चाहिए, फोटो स्टेट नहीं लेकर जानी है। अब ये वैलिड प्रूफ कौन हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है फ्रेंड्स, वोटर आईडी हो सकती है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड ऐसा है जिसके अंदर फोटो हो साथ में, या ई आधार। ई आधार डेट मीन्स आपका फोन के अंदर जो है वो डाउनलोडेड डाउनलोडेड होता है आधार कार्ड, तो वो ई आधार आप लेके जा सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं वहां पर। और राशन कार्ड, इनमें से आपको कोई भी फोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल में लेकर जाना है। और ध्यान रखना कि फोटो आईडी प्रूफ आपका वही हो जैसा नेम आपने अपलोड किया था, आपने जो नेम आपने अपलोड किया था, आपने कास्ट लिखी थी या आपने नहीं लिखी थी, या कुछ भी चेंजेस होते हैं कई बार नेम के अंदर, तो वो नेम जो है आपने पूरा ध्यान रखना है, उसी नेम के हिसाब से ही आपने वो वही आईडी प्रूफ लेकर जाना है साथ में। और यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि आईडी कार्ड जो है वो इशूड बाय स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर, ये वाले आईडी कार्ड नहीं चलेंगे, ठीक है। और आधार एनरोलमेंट रिसिप्ट भी विदाउट आधार नंबर, जिसके ऊपर आधार नंबर नहीं है, कोई फोटो कॉपी वगैरह, या कोई आपने मान लीजिए पिक ले रखी है अपनी मोबाइल फोन के अंदर, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ई आधार चल सकता है, लेकिन मोबाइल के अंदर ली गई पिक जो है वो नहीं चल सकती है आपकी आधार कार्ड की, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपने जो है वैलिड आईडी प्रूफ जो है ओरिजिनल में कोई ना कोई लेकर जाना है अपने साथ। और अगर आप पीडब्ल्यूडी जो है, अगर आप हैंडीकैप्ड हो, डिसेबल हो, तो उसके लिए आपको पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, ताकि आपको रिलैक्सेशन मिल सके उससे रिलेटेड, तो वो आपको अपना सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाना है, ओके। और जो कैंडिडेट्स कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप या डिसेबल हैं, उन्हें कहा जाता है पहले से ही कि उनको फैसिलिटी के लिए एंट्री के दौरान फैसिलिटी चाहिए होगी, तो उसके लिए उनको पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा। और कोई भी कैंडिडेट जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने नहीं दिया जाएगा अगर वो आइडेंटिटी प्रूफ आपका आईडी कार्ड नहीं लेकर आते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या नहीं लेके जाना दिया जाएगा, 6 पॉइंट में ये लिखा गया है, आपको किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, किसी भी काइंड का, किसी भी तरह का पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचर मटेरियल, प्रिंटेड या रिटर्न मटेरियल, कोई ई टेबल, खाने पीने की कोई चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, कैलकुलेटर, डॉक्यूपेन, स्लाइड रूल्स, लॉग टेबल्स, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, या आपका डिवाइसेस को, किसी भी तरह का कोई डिवाइस जो है वो एग्जामिनेशन हॉल या रूम में आपको लेकर नहीं दिया जाएगा, लेके जाने नहीं दिया जाएगा। और अगर आप कुछ ले भी आए हैं अपने पास मोबाइल फोन्स वगैरह, तो उसकी सेफ कीपिंग की कोई जिम्मेदारी सेंटर की नहीं होगी, तो आपको ही कहीं ना कहीं उसको रखना पड़ेगा अगर आप बाई चांस लेकर आते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर स्पेशली दिया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट डायबिटिक है, अगर कोई स्टूडेंट डायबिटिक है तो उन्हें अपने खाने के लिए जो सामान है वो लेके जाने दिया जाएगा। वो कौन सा सामान हो सकता है, वो भी ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो आपकी टेबलेट्स हो सकती हैं शुगर की, या आपकी फ्रूट्स हो सकते हैं जैसे कि बनाना, एप्पल, ऑरेंज, कुछ भी फ्रूट हो गया, और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वो डायबिटिक स्टूडेंट ही लेकर जा सकते हैं ये तीनों चीज़ें। और हाउ एवर देयर विल नॉट बी अलाउड टू कैरी, कोई पैक्ड फूड आपको नहीं लेकर जाना है, चॉकलेट, कैंडी, सैंडविच, कुछ भी पैक्ड फूड वो भी नहीं लेके जा सकते, फ्रूट्स, टेबलेट्स और अपना वाटर बॉटल जो है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जिसमें से आर पार दिखाई देता है, ऐसी वाटर बॉटल वो लेके जा सकते हैं अपने साथ, ओके। और अगर बात आती है कि अगर आप प्रिंटेड मटेरियल, पेन वगैरह लेके नहीं जाओगे तो आपको कैसे रफ काम करोगे आप अपना,
तो वहां पर लिखा गया है यहाँ पर स्पेशली कि पेन पेंसिल जो है, पेन या पेंसिल या ब्लैंक पेपर शीट रफ वर्क के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल या रूम में प्रोवाइड की जाएगी। कैंडिडेट्स को सबसे पहले अपना नेम और रोल नंबर उस शीट के टॉप पर लिखना है और काम करने के बाद, अपना फिनिश करने के बाद, पेपर ख़त्म होने के बाद आपको वो शीट्स जो हैं वो एडमिट कार्ड को, शीट्स और एडमिट कार्ड जो है वो इनविजिलेटर को वापस देना होगा। एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले आपको ये सामान जो है वो अपना पेन पेंसिल और शीट वगैरह जो है वो आपको वापस देनी होगी। पेन पेंसिल की बात यहाँ पर नहीं की गई है, आपकी एक शीट्स और एडमिट कार्ड की बात की गई है कि वो आपको वापस लौटाना होगा। ओके, और उसके बाद क्या लिखा गया है, कैंडिडेट मस्ट रिक्वायर डिटेल्स इन द एडमिट अटेंडेंस शीट इन लेजिबल हैंड राइटिंग, अपनी जो हैंड राइटिंग है अच्छी सी है, साफ हैंड राइटिंग में अटेंडेंस शीट के अंदर अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स जो है वहाँ पर भरनी होंगी, सिग्नेचर करना होगा, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा और फोटोग्राफ जो है वो अप्रोप्रिएट प्लेस पर लगानी होगी और लेफ्ट हैंड थंब वो ध्यान रखें कि वो क्लियर होना चाहिए, स्मज्ड नहीं होना चाहिए, डेट मीन्स खराब नहीं होना चाहिए, क्लियर जो आपका थंब इम्प्रेशन दिखना चाहिए। 9th पॉइंट में लिखा गया है प्लीज नोट दैट द एग्जामिनेशन विल बी ऑन द कंप्यूटर बेस्ड। आपको पता है कि एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको फैमिलराइज होना चाहिए इससे रिलेटेड। इन केस यू हैव नॉट डन सॉरली, अगर आपने इससे पहले ऑलरेडी नहीं किया है कभी भी, तो आप मॉक टेस्ट जो अवेलेबल है NTA.ac.in की वेबसाइट पर, मैं आपको बता दूंगी कि फोन के थ्रू आप कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और किसी के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो मैं एक एप्रोप्रिएट वीडियो आपके लिए भी जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगी, तो वो आप अटेम्प्ट करके जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि पेपर कैसे होगा आपका वहाँ पर। और प्लीज गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस जो भी आपकी एडमिट कार्ड के अंदर इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर इंस्ट्रक्शन दे रखी थी वो आपको पढ़नी है। वैसे ही सारी इंस्ट्रक्शन जो है वही है जो आपको एडमिट कार्ड के अंदर दी गई है। ओके, तो ये थी लास्ट मिनट वीडियो। आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है कि आपने अपनी एक पिक लेकर जानी है, अपना एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेकर जाना है, कोई पेन पेंसिल पेपर आपको लेकर नहीं जाना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर तो आपको दिया जाएगा रफ वर्क के लिए, वो वहाँ वहीं आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर आप कोई डिसेबल्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो PWD सर्टिफिकेट आपको साथ लेकर जाना पड़ेगा और एडमिट कार्ड जरूरी हो कि कलर प्रिंट आउट में हो। मैंने आपको पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि कलर प्रिंट आउट के अंदर अगर आप निकलवाओ तो दो एडमिट कार्ड जो है वो निकलवाइएगा ताकि आप उसको अलग अलग जगह पर रख सको, डेट मीन्स एक पॉकेट में, एक बैग में जो है वो वहाँ पर रख सको एट अ टाइम। अगर आपका एक आधा किसी भी कारण से मिसप्लेस भी हो जाता है एडमिट कार्ड तो आपके पास दूसरा हो, तो मिनिमम दो तो आप प्रिंट आउट लेकर जाइएगा ही जाइएगा अपने एडमिट कार्ड के। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए जो डेली अब जो है पेपर के लिए वीडियोस डाली जा रही हैं तो आप उन वीडियोस को आप एग्जामिनेशन से पहले देख सकते हैं। करंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो जो है वो डाली गई है, हायर एजुकेशन पर भी और अपना इन्वायरमेंट के ऊपर भी, तो उस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके बाय।